हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन एल्गोरिदम द हैकर मूवी। ये मूवी बेस है विल नाम के बंदे पर, कैसे उसने टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का पता लगाया और किन किन मुसीबतों का सामना किया। उसका मानना था इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है दो एजेंट से, जिसमें एक का नाम एजेंट पीटरसन है और दूसरा है एजेंट वॉलेस। वो एक बंदे से पूछताछ कर रहे हैं जिसका नाम चार्ल्स डार्क है। उस पे इल्जाम है उसने गवर्नमेंट से कुछ चुराया है और वो एजेंट उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्टोरी एक महीने पीछे जाती है, जहां मूवी के मेन हीरो से मिलते हैं जिसका नाम विल है। वो एक हैकर है और उसका मानना है इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। वो हर रोज शाम को 6 बजे सिम कार्ड चेंज करता है, क्योंकि उसके पास वो सिम कार्ड है जिसे उसने फोन कंपनी के सर्वर पर हैक किए हैं। विल ऐसा बंदा है जो 20 फीट के अंदर किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है। विल एक बंदे से मिलता है जिसका नाम गॉर्डन डेम्सी है। वो विल को एक जासूसी का काम देता है और विल उसे अपना नाम एल यूजर बताता है। वो गॉर्डन के सिस्टम को हैक करने का कोड तो लिख सकता है, पर उस हैक को वो उसके घर के बाहर बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत महंगी जगह पर रहता है जिसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसलिए वो अपनी दोस्त बिटचैन से मिलता है। विल बताता है हैकर दो तरह के होते हैं, कोडर्स और मेकर्स, और बिटचैन मेकर है। उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है। वो साथ में गेमिंग कंसोल को मॉडिफाई करने का भी काम करती है, जिससे लोग पायरेटेड डिस्क को गेमिंग कंसोल में खेल सकते हैं। बिटचैन का भी यही मानना है इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। विल बिटचैन को बताता है गॉर्डन फ्रेंचाइजी वुड में रहता है और उसे ऐसा डिवाइस चाहिए जो टीवी, वाईफाई या किसी भी डिवाइस को हैक कर सके। अगर वॉर्म 5 घंटे में अपने आप साफ नहीं होता तो घर की सारी डिवाइस को रिबूट कर देना। दोस्तों, विल का आइडिया होता है वॉर्म कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में रहे, यानी रैम में, क्योंकि रैम में डेटा टेम्परेरी होता है और सिस्टम रिबूट के बाद वो डेटा अपने आप ही रिमूव हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बिटचैन वो हैकिंग डिवाइस एक कैन बोतल में विल को दे देती है और विल गॉर्डन के घर के बाहर वो कैन रख देता है। अब हम गॉर्डन को देखते हैं जो टीवी देख रहा है। विल बताता है किसी भी घर के नेटवर्क में घुसने का सबसे आसान रास्ता है टीवी। आजकल सभी टीवी में इंटरनेट से चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, ज्यादातर टीवी में वाईफाई ऑन ही रहता है। बहुत से लोग अपने टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं। और फायरवॉल को बाईपास करने के दो तरीके हैं। पहला है जो सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से आता है उसकी कमियों को यूज करो, और ये कमी 2009 से लेकर 2012 तक के सभी राउटर में होती है। और दूसरा तरीका है पूरे घर के सिस्टम को रिबूट किया जा सके, जिससे रिबूट होने में 60 सेकंड लगते हैं, जिससे घर का पूरा सिस्टम इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि फायरवॉल हमेशा आखिरी में लोड होता है। इसका मतलब हैकर के पास 60 सेकंड होते हैं घर के नेटवर्क में घुसने के लिए। फिर विल लाइब्रेरी जाता है, जहां के कंप्यूटर से वो उस डिवाइस पर एक्सेस लेता है जिसे बिटचैन ने बनाया था। अब वो उस डिवाइस से गॉर्डन के घर के कंप्यूटर को हैक करता है और उसे गॉर्डन की वाइफ के मेल में सैम नोवाक का मेल मिलता है, और विल उसे रिप्लाई करता है गॉर्डन की वाइफ बनकर, जिसमें उसकी वाइफ की फोटो भी होती है। विल कहता है कि आपको पता है कौन सा भाग सबसे कमजोर होता है सिक्योरिटी सिस्टम का? आप और आपका कमजोर पासवर्ड, और कैसे आप अपनी लाइफ के हिस्सों को ऑनलाइन शेयर करते हो, जैसे अपनी फोटो पर अपनी लोकेशन को टैग करना और या फिर अपने एटीएम कार्ड की फोटो ऑनलाइन डालना। फिर सैम जैसे ही फोटो पे क्लिक करता है, विल को सैम के सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। सैम वही बंदा है जिस पर गॉर्डन ने जासूसी करने को कहा था। फिर विल अपने दोस्तों के पास जाता है एक कैफे में। वो कैफे विल के दोस्तों का ही है। वहाँ विल सबसे पूछता है क्या उन्होंने इमरजेंसी के बारे में सुना है। वहाँ चार्ल्स बताता है इमरजेंसी बहुत ही खतरनाक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। वो लोग डेटा माइनिंग, NSA, CIA सबका कॉम्बिनेशन है। चार्ल्स विल से पूछता है तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। विल बोलता है बस अपने साइड प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा था। वहाँ सोडिनम नाम की एक बंदी भी होती है जो चार्ल्स के साथ है। वो विल से पूछती है क्या तुम हमारे नेबर के वाईफाई से हैकिंग कर रहे हो। विल बताता है उसने इमरजेंसी के CTO सैम नोवाक के सिस्टम को हैक किया है। मैंने उसके ऑफिस के सिस्टम को दोपहर में रिबूट किया था और अभी भी मैं उसी के नेटवर्क में हूँ। सोडेनिम बोलती है इसे यहीं रोको। विल बोलता है मैं तुम्हारा नेटवर्क यूज नहीं कर रहा हूँ। सोडेनिम बोलती है तुम्हें पता है ना चार्ल्स ने अभी क्या कहा, इमरजेंसी क्या कर सकता है, उनके पास बड़ी मात्रा में लोगों का डाटा है, वो लोग इस हैक का पता लगा लेंगे। विल बोलता है अगर किसी को पता भी चला तो सबको यही लगेगा ये नोवाक का बॉटनेट है। दोस्तों, बॉटनेट इंटरनेट से हमेशा जुड़ा रहता है, जो कई तरह के काम करता है, जैसे DDoS अटैक, स्पैम मैसेज भेजना, सिस्टम को हैक करना और भी बहुत सारे काम। पर सुडिन उसकी बात नहीं मानती और उसे वहां से हैक करने के लिए मना करती है। फिर विल अपने घर जाता है और इमरजेंसी के नेटवर्क पे से बहुत सारे प्रोग्राम डाउनलोड करता है। उसे एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम शेपर्ड है। वो उस प्रोग्राम के कोड को समझने की कोशिश करता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो चार्ल्स से मिलता है और उसे शेपर्ड के बारे में बताता है। चार्ल्स पूछता है क्या तुमने वाईफाई ऑफ किया है। विल बोलता है हाँ।
फिर चार्ल्स सेपर्ड के प्रोग्राम को पढ़ता है। वो बताता है ये एक टर्मिनल के तरह दिख रहा है, पर उसे एक कोड मिलता है जिसे उसे देखकर लगता है ये प्रोग्राम एक SSH टनल क्रिएट कर रहा है। दोस्तों टर्मिनल यानी लिनक्स टर्मिनल या पावर शेल, जहां से आप सिस्टम को कमांड से कंट्रोल करते हो, और SSH टनल का मतलब है लिनक्स सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो उसके लिए SSH कमांड होता है, इसे सिक्योर शेल कहते हैं। इसमें टनलिंग का मतलब है कि जब आप SSH से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे तो वो एक इंक्रिप्टेड नेटवर्क की तरह काम करेगा, यानी अगर कोई आपके सिस्टम के नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि आप किस पोर्ट से SSH कर रहे हो और किस नेटवर्क पर। चार्ल्स बताता है सेपर्ड बार बार किसी सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे नहीं पता किससे। वो बोलता है हमें वाईफाई ऑन करके इसे उस सर्वर से कनेक्ट करने देना होगा। विल बोलता है अगर ये सर्वर गवर्नमेंट का हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। चार्ल्स बोलता है इसलिए तो हम यहाँ मिले हैं, हमारे आसपास बहुत से लोगों के वाईफाई नेटवर्क चल रहे हैं जिससे हमें काफी टाइम मिल जाएगा। फिर उन्हें एक स्क्रीन दिखती है जिसमें 3 बार से ज्यादा पासवर्ड नहीं डाला जा सकता। चार्ल्स बोलता है मैं बस इसे यहीं तक बता सकता हूं, और वो बिल को संभल के रहने के लिए कहता है। बिल को एहसास होता है शेपर्ड को पब्लिक प्लेस में एक्सेस नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो शेपर्ड को यूज करने के लिए एक कमरे में जाता है और पूरे कमरे को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करता है जिससे रेडियो सिग्नल को रोका जा सके। विल शेपर्ड के कोड को फिर से देखता है और उसे पता चलता है शेपर्ड प्रोप्राइटरी लैंग्वेज में लिखा गया है। दोस्तों प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कहते हैं जिनमें खुद का कोड होता है और जिसे दूसरे प्रोग्रामिंग टूल पर रन नहीं किया जा सकता, जैसे ओरेकल या जावा या सी लैंग्वेज। विल बोलते हैं आखिर शेपर्ड को बनाया किस लिए है, इसलिए वो कोड को चेक करता है। वो बोलता है किसी भी सिस्टम को समझा जा सकता है अगर आप उसके सबसे घातक हिस्से को हैक कर सको। इसके लिए जरूरी है प्रोग्राम के हिस्सों को समझना, वो कैसे काम कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा वो प्रोग्राम कर क्या रहा है। और शेपर्ड के बारे में पता करने में 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो एक जरूरी हिस्से पर ध्यान देता है कि शेपर्ड किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए विल को उसका IP एड्रेस चाहिए। विल बताते हैं 1950 में MIT हैकर्स विश्वास करते थे इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए, और इस विचारधारा को मानने वालों को क्रिप्टो आर्टिस्ट कहते हैं। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जिसे कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। फिर विल अपने घर की तरफ आता है और देखता है किसी ने उसका कमरा जला दिया है। वो समझ जाता है गवर्नमेंट एजेंसी को पता चल गया है उसके बारे में, इसलिए वो चार्ल्स से मिलने उसके कैफे में जाता है और उसे वहाँ सुडेनी गुस्से से बोलती है चार्ल्स ने मुझे सब बताया था, तुमने क्या किया। तुमसे मिलने के 1 घंटे बाद कुछ लोग चार्ल्स को ले गए। फिर विल ब्रिटचैन के घर जाता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है उसके साथ क्या हुआ। ब्रिटचैन बोलती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता शेपर्ड करता क्या है। इसलिए विल ब्रिटचैन से हेल्प मांगता है और ब्रिटचैन मान जाती है। विल बताता है जब भी शेपर्ड ऑनलाइन होता है इमरजेंसी किसी न किसी को भेजता है, इसलिए अगर हमें उनका पता लगाना है तो हमें फिर से शेपर्ड को ऑनलाइन करना होगा। इसलिए ब्रिटचैन रेस्पबेरी पाई में वॉर्म इंस्टॉल करके उसे किसी के घर के पास रख देती है, जिससे वो वॉर्म उस घर के वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है और शेपर्ड को ऑनलाइन कर देता है। ये वही तरीका था जिसे विल ने गॉर्डन के घर पे किया था। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ लोग आते हैं और वो उस घर के मालिक को अपने साथ ले जाते हैं। विल और ब्रिटचैन उनके कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेते हैं और उस नंबर से ढूंढने की कोशिश करते हैं वो लोग कौन है और कहाँ है, पर वो नंबर प्लेट फर्जी होती है इसलिए उनके बारे में विल और ब्रिटचैन को पता नहीं चलता। फिर विल ब्रिटचैन से कहता है हमें रेस्पबेरी पाई लाना होगा क्योंकि उसी में शेपर्ड जिस सर्वर से कनेक्ट होता है उसका IP एड्रेस है, पर ब्रिटचैन कहती है IP एड्रेस तो मिल जाएगा पर तुम पासवर्ड कहाँ से लाओगे। फिर विल उस रेस्पबेरी पाई से मेमोरी कार्ड निकालता है और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। विल कहता है ये एक पोर्ट नॉकिंग है, यानी अगर आप सर्वर X से कनेक्ट होना चाहते हो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका तरीका ये है कि सर्वर A से E तक को कनेक्ट करने की कोशिश करना सही ऑर्डर में और वो भी एक टाइम के अंदर, तभी सर्वर X से कनेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों पोर्ट नॉकिंग का मतलब है उन पोर्ट्स को पहले कनेक्ट करना जिससे मेन पोर्ट ओपन हो सके, जैसे अगर पोर्ट 22 को ओपन करना है जिसका यूज SSH के लिए सिस्टम को कनेक्ट करने में किया जाता है, तो पहले आपको 1005, 1006 और 1007 पोर्ट पर हिट करना होगा एक दिए गए टाइम में। जब ये पोर्ट्स हिट होंगी तब पोर्ट 22 का फायरवॉल रूल ऐड हो जाएगा कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए, और जब सीक्वेंस उल्टा होगा यानी 1007, 1006 और 1005, तब पोर्ट 22 फायरवॉल से रिमूव हो जाएगी। दोस्तों ये एक लिनक्स फायरवॉल का रूल है जिसका नाम IP टेबल है। IP टेबल सभी लिनक्स सिस्टम में काम करता है, इसमें रूल को ऐड और रिमूव करके सिस्टम सिक्योर किया जाता है। इसलिए विल को एक पर्टिकुलर टाइम में उन सर्वर A से E तक के IP एड्रेस को कनेक्ट करना होगा जिससे सर्वर X का IP एड्रेस ओपन हो जाएगा। फिर विल डेसिमेट के पास जाता है और उसे शेपर्ड के IP एड्रेस के बारे में बताता है, पर शेपर्ड का IP एड्रेस पहले से डेसिमेट के पास था,
विल पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। डेसिमेट बोलता है विल मैं एक हैकर हूँ और मैं गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम भी करता हूँ। आईपी एड्रेस ढूंढना बच्चों का काम है। विल डेसिमेट से शेपर्ड का पासवर्ड मांगता है ताकि वो पता लगाए शेपर्ड क्या है और क्यों लोगों को किडनैप किया जा रहा है, इसलिए डेसिमेट उसे पासवर्ड दे देता है। विल को समझ में नहीं आता डेसिमेट के पास पासवर्ड कहाँ से आया। फिर विल बिटचेन को बताता है वो डेसिमेट से मिला था। बिटचेन बोलते उसे पता है। विल पूछता है तुम्हें कैसे पता, पर बिटचेन बात इग्नोर कर देती है। फिर विल शेपर्ड पर लॉगिन लेता है टॉर नेटवर्किंग का यूज करके। दोस्तों टॉर नेटवर्किंग के बारे में मैंने मिस्टर रॉबर्ट के सीजन फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन में बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप आई बटन पे जाकर भी चेक कर सकते हो। विल को पता चलता है शेपर्ड एक ट्रैकिंग प्रोग्राम है जिससे किसी के बारे में पता लगाया जा सकता है। विल शेपर्ड में चार्ल्स के बारे में सर्च करता है और उसे चार्ल्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, यहाँ तक कि वो अभी कहाँ है और क्या कर रहा है और उसका लाइव वीडियो भी। विल चार्ल्स को देखता है, उसे दो एजेंट पूछताछ कर रहे हैं। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो दो एजेंट और एक बंदे को देखा था ये लोग वही हैं। उन एजेंट्स को चार्ल्स का वीडियो मिला था जहाँ पर वो विल के साथ शेपर्ड के कोड को देख रहा था। एजेंट उसे बोलता है तुमने टॉप सीक्रेट डेटाबेस को एक्सेस करने का जुर्म किया है, हमें पता है जो दूसरा बंदा तुम्हारे साथ था उसका नाम विलियम है, हमने उसका फोन ट्रैक किया था पर शाम के 6 बजे के बाद से उसका फोन ट्रैक नहीं हो रहा है। एजेंट चार्ल्स से पूछता है बस हमें ये बता दो विलियम कहाँ है और तुम लोगों का क्या प्लान है शेपर्ड के साथ। फिर विलियम सोडोनिम के पास आता है उसके कैफे उसे शेपर्ड के बारे में बताने, पर सोडोनिम उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए विल गुस्से से अपने लैपटॉप सबके सामने खोलता है और कैफे में लोगों से पूछता है क्या तुम्हें ये बात परेशान नहीं करती, एनएसए तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। वहाँ एक बंदा बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विल उस बंदे से उसका नाम पूछता है, वो बताता है एडी बैनॉन। विल पूछता है तुम कल रात क्या कर रहे थे। एडी बोलता है मैं नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था, और विल सारी डिटेल शेपर्ड में डालता है और बताता है एडी तुम कल रात को इंग मूवी देख रहे थे। एडी बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। विल बताता है क्योंकि मेरे पास ट्रैकिंग प्रोग्राम है। एडी बोलता है देखा मैंने कुछ गलत नहीं किया। विल बोलता है पर तुम्हें पता है और किसने कुछ गलत नहीं किया, उसका नाम है रॉबर्ट मार्टिन और उसने भी कुछ गलत नहीं किया फिर भी उसे किडनैप किया गया, तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है। विल सोडोनिम को मार्टिन दिखाता है, उसे भी एक एजेंट पूछताछ कर रही है। दोस्तों मार्टिन वो बंदा है जिसके घर के बाहर विल और बिटचेन ने रसबेरी पाई रखा था। मार्टिन बोलता है मुझे नहीं पता शेपर्ड क्या है, मैं बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एजेंट बोलती मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ पर रिकॉर्ड के हिसाब से शेपर्ड को तुम्हारे घर से एक्सेस किया गया था। मार्टिन बोलता है मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया है। सोडोनिम विल को बोलती है तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। विल बोलता है क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही। सोडोनिम बोलती है तुम ये सब कैफे में दिखा रहे हो सबके सामने, वो लोग हमें ट्रैक कर लेंगे। विल बोलता है नहीं कर सकते मैं टॉर नेटवर्किंग का यूज कर रहा हूँ। सोडोनिम बोलते जो भी लोग इस ट्रैकिंग प्रोग्राम के पीछे हैं क्या तुम्हें नहीं लगता वो टॉर को भी ब्रेक कर सकते हैं। विल बोलता है नहीं कर सकते। सोडोनिम बोलती है तुम्हें कैसे पता, अगर वो ब्रेक कर सकते हैं तो वो यहाँ फिर से आ जाएंगे, वो लोगों को किडनैप और टॉर्चर कर रहे हैं। विल बोलता है उनके पास चार्ल्स है और विल सोडोनिम को चार्ल्स का लाइव वीडियो दिखाता है। सोडोनिम बोलते चार्ल्स कहाँ है। विल बताता है होमलैंड सिक्योरिटी, वो लोग एनएसए और इमरजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। सोडोनिम बोलती हम उसे वहां नहीं छोड़ सकते। विल बोलता है मैं और बिटचेन उनके सिस्टम को हैक कर सकते हैं पर तुम्हें वहाँ पर रहना होगा चार्ल्स को लेने के लिए। फिर विल होमलैंड सिक्योरिटी जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को बोलता है मार्टिन और चार्ल्स का प्रिजनर ट्रांसफर के लिए आया है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है मार्टिन अब यहाँ नहीं है पर चार्ल्स थोड़ी देर में आ जाएगा। दोस्तों उस एजेंट ने मार्टिन को इतना टॉर्चर किया कि वो मर चुका है और इस बारे में वो रिसेप्शनिस्ट विल को नहीं बताती। थोड़ी देर बाद एजेंट चार्ल्स के पास जाता है पूछताछ करने के लिए पर उन्हें चार्ल्स नहीं मिलता और इस बीच विल चार्ल्स को लेकर वहां से ले जाता है। एजेंट रिसेप्शनिस्ट से चार्ल्स के बारे में पूछते हैं, रिसेप्शनिस्ट चार्ल्स को तो अभी ले गए। पहला एजेंट दूसरे एजेंट को बोलता है जाने दो उन्हें, हम उन्हें फिर से पकड़ लेंगे जैसे हमने उन्हें पहले पकड़ा था। फिर विल चार्ल्स को लेकर डेसिमेट के घर जाता है, वहाँ बिटचेन भी आती है। विल बोलता है मैं सबको शेपर्ड के बारे में बता दूंगा पर डेसिमेट उसे मना करता है। वो विल को समझाने की कोशिश करता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है और तुम वैसे भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। फिर अगले दिन सुबह डेसिमेट सबको बोलता है एजेंट्स बाहर हैं विल चार्ल्स और सोडोनिम के लिए और वो लोग अंदर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। दोस्तों डेसिमेट शुरुआत से एजेंट्स के लिए काम कर रहा था। फिर हम विल को 20 दिनों बाद दिखते हैं और उसे गॉर्डन मिलने आता है। दोस्तों गॉर्डन वही बंदा था जिसने विल को जासूसी का काम दिया था। गॉर्डन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। विल बोलता है मैं एक हैकर और कोडर हूँ पर तुम मेरे कोड के साथ क्या करना चाहते हो। गॉर्डन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो काम दे सकता हूँ जिस पर तुम्हें गर्व होगा। विल बोलता है मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। गॉर्डन बोलता है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। विल बोलता है तो फिर मेरे दोस्तों का क्या होगा। गॉर्डन बोलता है वो लोग कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर गॉर्डन बोलता है टिमोटी ने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई थी पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। दोस्तों इस मूवी में नहीं बताया गया कि टिमोटी कौन है पर गॉर्डन ने यह सब टिमोटी के कहने पर ही किया है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।